अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू वीडियो। ये तो आज की वीडियो में हम आईसी का यूज़ करते हुए एक एंड गेट का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो एंड गेट के प्रोजेक्ट के लिए हम जो आईसी यूज़ करते हैं उसका नंबर होता है 7408। तो ये हमें आईसी एक चाहिए, ये आपको मार्केट से मिल जाएगा। उसके अलावा आपको एक 1K का रेजिस्टर चाहिए। रेजिस्टर आप 220 ओम से लेके 1K के दरमियान कोई भी रेजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक LED चाहिए। LED भी जारी बात है, कोई इसी कदर की भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसके अलावा कुछ जंपर वायर्स चाहिए। चलिए, सबसे पहले तो आपने आईसी को ब्रेडबोर्ड के ऊपर लगा देना है। और लगाते वक्त ध्यान रखना है कि इसकी जो सारी पिन्स हैं वो अच्छी तरह से इसकी ब्रेडबोर्ड के अंदर जाएं, कोई भी पिन जो बैंड ना हो या टूट ना जाए। उसके बाद आपने आईसी को सप्लाई देनी है। इस आईसी की जो हम सप्लाई देंगे वो पिन नंबर 14 और पिन नंबर 7 पर देंगे। 7 पर हम ग्राउंड दे देंगे और पिन नंबर 14 पर पॉजिटिव 5 वोल्ट देंगे। तो चलें सबसे पहले तो इसको सप्लाई देते हैं। ये तो आईसी को हमने सप्लाई दे दी है। अब हम इसके अंदर गेट की बात कर लेते हैं। तो इस आईसी के अंदर टोटल 4 गेट होते हैं। पहला गेट पिन नंबर 1, 2, 3 पे होता है, दूसरा 4, 5, 6 पे होता है, इस तरह 7 ग्राउंड की होगी, उसके बाद 8, 9, 10 पे गेट होगा और 11, 12, 13 पे एक गेट होगा। 14 पे पॉजिटिव सप्लाई देते हैं और 7 पे नेगेटिव। अब हम इनमें से किसी भी एक गेट का यूज़ कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट को करने के लिए। तो मैं पिन नंबर 1, 2, 3 वाले गेट को यूज़ कर लेता हूँ, जिसमें पिन नंबर 1 और 2 पे हम सप्लाई देंगे, यानी कि 0 और 1 देंगे, और पिन नंबर 3 पे हमें आउटपुट मिलेगा। तो पिन नंबर 3 के साथ हम 1K का रेजिस्टर कनेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें आउटपुट यहाँ से मिल सके। रेजिस्टर लगाने के बाद हम रेजिस्टर के साथ LED को कनेक्ट कर देंगे। रेजिस्टर के साथ हम LED की पॉजिटिव साइड को लगाएंगे यहाँ पे। अब हम LED को भी ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने LED को भी कनेक्ट कर दिया है ग्राउंड के साथ। अब हम यहाँ पे पिन नंबर 1 और 2 के साथ 2 वायर लगा देंगे ताकि हम इसमें 0 और 1 की सप्लाई दे सकें। इधर यहाँ पे पिन नंबर 1 और 2 के साथ मैंने वायर्स कनेक्ट कर दी हैं। ऑरेंज वाली वायर हमारी A की है और येलो वाली B की है। अब साइड में आपको टोट टेबल दिखा देता हूँ, उसको हम फॉलो करते जाएंगे और जिस स्टेप को कर लेंगे उसको टिक कर देंगे। हम आईसी को सप्लाई देंगे। सप्लाई आपने 5 वोल्ट की देनी है। 5 वोल्ट से ज़्यादा देंगे तो ये तो आईसी जल जाएगी। सप्लाई यहाँ पे हमने दे दी है। अब सबसे पहले हम A को 0 कर देते हैं और B को 1, यानी कि येलो वायर को हम पॉजिटिव कर देंगे और ऑरेंज वाली को नेगेटिव। तो आउटपुट 0 आ गया। A 0 B 1, आउटपुट 0। अब हम B को 0 करते हैं और A को भी 0 रहने देते हैं, तब भी हमारी आउटपुट पे 0 है, यानी कि ये स्टेप भी हो गया। अब हम A को पॉजिटिव कर देते हैं। A पॉजिटिव, B 0, A 1 B 0, तो आउटपुट भी 0। अब B को भी हम 1 कर देते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं A 1 B 1, तो आउटपुट भी 1। तो इस तरह से हमने अपने एंड गेट का प्रोजेक्ट कर लिया आईसी को यूज़ करते हुए। आईसी हमने 7408 यूज़ किया, जो कि एंड गेट के लिए होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।